हाफ रिंग है जिसका मास m है और रेडियस स्मॉल r ले लेता हूँ, मास m और रेडियस स्मॉल m। तो यहाँ पर मासेस अब देखो है तो लेंथ वाइज ही है, रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई r, 2 पाई r तो पूरा होता। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा, दिस एलिमेंट इज द डी एम एलिमेंट, जिसकी जो थिकनेस होगी सॉरी जिसकी जो लेंथ होगी वो अगर डी एक्स होगी तो ये आर डी थीटा के इक्वल होगा, और स्मॉल आर डी थीटा हम लोग लिए हैं, ठीक है, ये एंगल डी थीटा है और यहाँ से एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर मैं चला गया हूँ, समझना, एक्स एक्सिस से मैं थीटा डिग्री पर चला गया और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा। अब ये जो डी थीटा है इसमें कितना मास आया होगा, पहले उसको कैलकुलेट कर लो, डीएम, डीएम मास पर यूनिट लेंथ और मल्टीप्लाइड बाई वो छोटा लेंथ डी एक्स, क्योंकि रिंग पर जो मास है वो लेंथ वाइज ही है, ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ इसका लेंथ पाई आर हो गया और ये जो है वो आर डी थीटा के इक्वल हो गया, इसका मतलब ये हुआ आर ने आर को ख़त्म कर दिया तो एम पाई और डी थीटा दैट इज द डी एम, ये यूनिट लेंथ, ये जो डी एम है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इसको हमने इतना, ये पूरा डीएम है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं है, यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ था लैम्डा था, ठीक है, तो ये पूरा इसमें मास आ गया डीएम। अब डीएम हमें क्या, अब हमको नहीं पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स में है कि वाई में है, तो हम दोनों में निकालेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट का ये जो पॉइंट एलिमेंट लिए हो डीएम इसका सेंटर ऑफ मास वहीं आएगा क्योंकि पॉइंट है, तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा यार, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी होगी, एक्स कोऑर्डिनेट इसका, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस डीएम जिसका सेंटर ऑफ मास वहीं आएगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बन गया ना यार, ये जो वाई है उस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है, एक्चुअली हम लोग स्मॉल आर लिए हैं तो आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस डीएम एलिमेंट जो वहां पर एग्जिस्ट करता है और उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे आएगा। चलो तो अगर इतनी सी बात आ गई तो अब डायरेक्ट हमें फार्मूला लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, एक बार लिमिट समझ लो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा भैया, तो लिमिट स्टार्ट होगा यहाँ से, इस लाइन से थीटा इज इक्वल टू जीरो था, इस लाइन से थीटा इज इक्वल टू जीरो था, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो रिंग के क्वार्टर का निकलेगा, और थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू पाई पूरे हाफ रिंग का निकलेगा, तो लिमिट स्टार्ट होगी थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू पाई, तो इक्वल टू जीरो यहाँ था तो थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो चलो अब डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना है फार्मूले में, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या फार्मूला बोलो, वन अपन मास ऑफ द रिंग इंटीग्रेशन एक्स डी एम, ठीक है, कहाँ से कहाँ, थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू पाई लिमिट, अब वैल्यू पुटअप कर दो तो वन अपन कैपिटल एम और जीरो टू पाई, जीरो टू पाई, और एक्स, एक्स बोलो कितना है, x क्या है, dm एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, और जहां dm आ रहा है वहीं पे उसका सेंटर ऑफ मास भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा r cos थीटा और ये आ जाएगा dm, dm इधर से निकाल के लेके आओ, मास पा m पाई d थीटा, तो अब ये इंटीग्रेट कर लो इसको, तो मास ये जो बाहर आया, तो मास बाहर आएगा तो ये वाला मास इससे मास खत्म हो जाएगा, तो मुझे मिला r अपन पाई और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है, और जीरो टू पाई, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन आर अपन पाई, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और यह आ जाएगा जीरो टू पाई, इसका मतलब ये हुआ कि आर पाई और यह आ जाएगा साइन पाई और माइनस साइन जीरो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइन पाई और जीरो और साइन जीरो जीरो, तो कुल मिला के ये जीरो आ गया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में कभी आएगा ही नहीं, इसका सेंटर ऑफ मास जहां भी आएगा वो वाई कोऑर्डिनेट पे आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स इसका जीरो आ रहा है यार,
तो x कोऑर्डिनेट इसका जीरो आ गया, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां से आगे और इधर से इधर कभी नहीं आ सकता, ये फार्मूला बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये इसका मतलब y कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो क्या y कोऑर्डिनेट अगर मान लो y भी जीरो आ गया तब तो ओरिजिन पे ही आएगा यार, ठीक है। चलो तो y निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो चलो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, तो y cm, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास 1 अपॉन कैपिटल मास इंटीग्रेशन ऑफ y dm, तो y की वैल्यू कितनी है बोलो, y की वैल्यू है r sin थीटा, और dm उधर ही निकाले हो तो मास पाई और मल्टीप्लाइड बाई d थीटा और लिमिट गया 0 टू पाई, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई, y इज इक्वल टू y dm c और फार्मूला याद किए, ये सब कॉन्स्टेंट बाहर आएगा तो ये खत्म हो गया, और इधर बच गया r अपन पाई और साइन थीटा इंटीग्रेट होके माइनस कॉस थीटा मिला और ये मिला 0 टू पाई। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस r अपन पाई माइनस r कॉस पाई और माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 1 और कॉस पाई माइनस 1, इसका मतलब माइनस 2 आ गया उधर से, 2 r अपन पाई, ठीक है। तो y cm इसका मतलब ये हुआ रिंग का जो y कोऑर्डिनेट है जो वो नॉन जीरो आया, मतलब इस रिंग का सेंटर ऑफ मास इस तरह से यहाँ पर कहीं पे आएगा, ये ओरिजिन है यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो x cm जिसका जीरो आ जाएगा और ये वाली डिस्टेंस 2r अपन पाई के इक्वल आ जाएगी।